फैमिली जो ऑनर है उनका गाने अच्छे हैं, लेकिन कहानी की क्या टारगेट्स ऑल अबाउट द लालटेन अलॉट। ये 250 साल के लोगों की कहानी है, चाय वाला और एक कबाड़ी है, एक लालटेन कैसे उनकी जिंदगी बदल के रख देते हैं। दिस इज ऑल अबाउट चक्कू की लालटेन। आई होप यू विल लाइक इट। एक बार पिक्चर आएगी तो जो मैं बोल रहा हूँ आप रिलेट कर पाओगे। और वो किसी मतलब रघुवीर जी यहाँ पर आए नहीं है, उन्होंने बहुत खूबसूरत काम किया है, मजा आएगा देखकर। सर नीरज गुप्ता हमारे डेब्यू कर रहे हैं, बापू तो बहुत कमाल के एक्टर है। रघुवीर सर उनकी केमिस्ट्री है, क्योंकि वो कबाड़ी है, वो चाय वाले का किरदार कर रहे हैं, एक लालटेन के बीच में उनके बीच में एक किस्सा चल रहा है। एंड नीरज गुप्ता ऑल्सो पंजाबी बोला कहना मेरे से गाना है, उनका एक स्टाइल है, वो दबंग है। एंड मीका पाजी ने बहुत इंजॉय करके गाया, बहुत मुझे अच्छा लगा उनके साथ काम करके। कसम खा के कह रही हूँ भाई, उस गाने पे जो नम्रता ने लटके झटके दिए, अच्छा अच्छा लौंडा भटक जाएगा कि घर जाऊं या नम्रता के घर जाऊं। बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है, काबिले तारीफ है, और इनके उज्जवल भविष्य के लिए दुआ करता हूं। बहुत टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। अभी कल ही इन्होंने 29 को हमने एक गाना डायरेक्ट किया है पवन सिंह के साथ में, और अभी वो आने वाला है। अभी आजकल आप देखोगे तो सारे चैनल्स वाले वो पवन सिंह का गाना डाल रहे हैं, वो अभी बड़ी स्पीड से वायरल हो रखा है, अभी से ही मतलब वायरल हो गया वो एक तरीके से। तो वो गाना बहुत ही अभी तक का वो भोजपुरी का सबसे बड़ा गाना बन रहा है। अच्छा, इतने एक्टर को नचाने में कोई तकलीफ हुई है? मतलब ये सब कॉमेडी वाले जोनर से ताल्लुक रखते हैं, क्या होता है नचाने में उनको दिक्कत होती है, जिनको बताना पड़े कि ऐसे करो ऐसे करो, खुद ही बताते हैं कि मैं ऐसे कर देता हूँ। तो मैं कहता हूँ ठीक है कर दो। गले में हारों का जो हार डाले ये इन्होंने खुद बनाया है, ये दोनों एक ने पहना है और एक ने पहनाया है। ओके फाइन, आई एग्री ही इज अ कॉमेडियन, बट एज फार एज एक्टिंग कंसर्न्ड ही इज अ वेरी वर्सेटाइल एक्टर एज वेल। मुझे ऐसा लगता है कि अगली फिल्मों में इनको ट्राई करें, कई नए नए किरदार दें, एंड ही इज अ लाइक कमाल के एक्टर है। तो अगली मैं एक फिल्म कर रहा हूँ गलीज, ऑफकोर्स यही टीम है, तो सर का उसमें एक डिफरेंट किरदार भी दिखेगा। लेकिन वो स्टोरी जो होगी वो बताएंगे नहीं, वो स्टोरी एक अलग स्टोरी है, वो अपोजिट है, एकदम अपोजिट है इसकी, एकदम बहुत ही मतलब अभी भी देखो गूज़बम्प्स हो रहे हैं। लोकेशन स्टोरी स्प्लिंग कर लो, उत्तराखंड में शूट किया था मैंने इसको, उत्तराखंड दिल्ली को बजट बचाया है सर, बिल्कुल बचाया। नहीं है इस पर बजट का ऐसा इशू नहीं था, बिकॉज कहानी की डिमांड ये थी कि वो उत्तराखंड की लोकेशन पे ही जाके बन सकती थी, बहुत फैबुलस प्लेस है। नहीं नहीं, अगर बजट बचाने वाली बात होती ना तो आप गाना देख लोगे ना पैसा वाला, तब बोलेंगे बजट नहीं बचा। एक्चुअली फिल्म का सारा पैसा सॉन्ग भी लगा है, डांस का और शो बेसिकली। बेसिकली क्या है कि वो जो 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 उसकी डिमांड थी ना मूवी की, उस तरीके से उन्होंने मूवी बनाई है। अब उसमें जितना पैसा लगना है और नहीं लगना वो तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ वो शूट हो रही है, किस तरीके से हो रही है, क्योंकि उसमें पैसा इतना लगना ही नहीं था, और जितना भी लगाया है वो इन्होंने बहुत लगाया है, तभी इससे लगाया है, ठीक है, और गाने पे उससे चार गुना ज्यादा लगा है। हाउसफुल के बाद मेरे ख्याल से दूसरा सॉन्ग होगा इतना बड़ा जो शूट हुआ, मेरा पता बहुत बड़ा बहुत। इतने डांसरों को सर मैनेज करना एक फ्रेम में? नहीं, आराम से हमारे पास जितने भी है ना सभी डांसर जो है वो पे रोल पे है। मैं इनका जवाब दे देता हूँ, सूरज सर इज द मोस्ट फैबुलस एंड इज अ बंच ऑफ टैलेंट, व्हाट अ कोरियोग्राफर ही इज, ऑल्दो इज माय वेरी गुड फ्रेंड, इज माय ब्रदर, बट वो सारी बातें अगर एक तरफ रख दे तो ये बाबूदा बहुत कमाल के कोरियोग्राफर है, जबरदस्त। Zenith always rocks, गाना देख के समझ में आ गया, वेरी नाइस सॉन्ग, आपको मैंने दिखाया भी है, और बहुत अच्छे से शूट करते हैं सारी चीजों को। बस ये समझ लीजिए कि इंडस्ट्री में सूरज निकल आया है। यस, और सलीम चमके कुछ नहीं है, सूरज भी जो बना है वो वैसे नहीं बना है, ये जो टीम है मेरी पीछे पूरी टीम को बधाई दे रही है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ हमारे पीछे, आ जाओ एकदम आ जाओ आ जाओ। और दिव्या शौकी 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 आओ पर हमें लग रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स कोऑपरेट कर रहे हैं, दिवाली पर मिल रहे हैं सिनेमा हॉल्स, एंड वी आर वेरी पॉजिटिव, मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स और दिवाली में उसको रिलीज कर। तो कौन से टारगेट आप, सिटी टियर 2 टियर 3 से क्या कर रहे हैं? मैं स्टेट वाइज डालता हूं।
नॉर्थ इंडिया पूरा देख रहे हैं ऑफ कोर्स ये सब नॉर्थ इंडिया के तो पंजाबी तो पूरा बेल्ट हमने कवर कर दिया कुछ पार्ट ऑफ एमपीज एंड साउथ में कलकत्ता यस वी हैव रीजंस क्योंकि पिक्चर बहुत अच्छी है तो मुझे लगता है लोगों को पसंद है ओटीटी प्लेटफॉर्म का क्या है आपका आफ्टर लीविंग द थिएटर ओटीटी पे हम जरूर जाएंगे क्योंकि ओटीटी की रीच बहुत अच्छी है बस में बैठो कहीं बैठो तो ट्रैवल इट्स अ गुड टाइम पास तो लोग ओटीटी देखते हैं तो बात हुई आपके अमेज़न नेटफ्लिक्स या किसी से हाँ बात में जो भाई हम बात कर रहे हैं तीन चार ओटीटी से हम टच में एंड लेट्स सी कि बेसिकली कौन पिक्चर को अच्छे से प्रमोट कर पाएगा मैं जरूर उसे टिक करूंगा ओवर डील हो जाए तो आई लेट यू नो व्हाट्स अप ओके थैंक यू और इन सब ने परफॉर्म किया उसके अंदर ये शिवांग सैफ शौकी राज रिया खुशबू अपना नैना दिव्या दिव्या शी इज ऑल्सो मतलब मेन इनका भी अभी एक गाना है साउथ में अभी लेटेस्ट ही है इन्हीं के बारे में बोल रहा हां लेटेस्ट अभी गाना है दो लाइनें ये भी बोलेंगी दिव्या थोड़ी शाय है पर लगती है वो बोलते हुए नहीं है दिव्या थोड़ी शाय है लगती है शायद रहा मतलब मैंने वैसे तो जेनिथ में बहुत काम किया है और काफी टाइम से टचवुड हम लोग बहुत अच्छे अच्छे गाने जैसे करते ही हैं तो अब एक आदत से बन गया है मतलब हमें पता है हमें सेट पे जाना है क्या क्या करना है तो वो इतना हैबिट बन चुकी है हमें आप जैसे अभी पूछ रहे थे मैं खड़ी थी कि इतने सारे लोगों को मैनेज करना आई हूँ तो अब मतलब पहले शुरू में शायद लगता था कि हाँ बड़ा काम है पर अब मुझे लगता है कि काफी आसान हो गया है क्योंकि करते करते आ जाता है और अगर आप बता सके कि आपने साउथ की एक फिल्म में किया है तो कैसा रहा एक्सपीरियंस वो बताइए अच्छा एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा था मूवी मतलब भोजपुरी भी बताओ जो भोजपुरी सारी मूवी मतलब जो आपने गाना नहीं मूवी बट आपने जो सॉन्ग किया है किसके साथ किया कितने डांसर्स थे हिरन अब्बा बरम के साथ अभी एक नया गाना आया है लिरिकल उसका हो गया 9th को मूवी आ रही है और एक्सपीरियंस काफी अच्छा था बहुत सारे लोग थे रामोजी फिल्म सिटी में शूट हुआ और इन्होंने भोजपुरी भी किया है डायलॉग बोल के दिखा दीजिए ना भोजपुरी में बिल्कुल इनका गाना दोनों अपने गाने वो सुने होंगे लोग खेसारी लाल और पवन सिंह दोनों आपस में आपको पता है कितने दोस्त बहुत अच्छे दोस्त है ना तो वो उनके साथ में दोनों के साथ में इन्होंने गाना कर दिया अलग अलग किया है कि साथ में किया नहीं अलग 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 साथ में नहीं हो सकती आज गाना एक आज कल एक गाना जाएगा और परम एक दो चार दिन बाद एक गाना जाएगा अच्छा सुनता है एक पवन सिंह और खेसारी में क्या डिफरेंट लगा दोनों में काम दोनों अच्छे हैं बहुत अच्छे एक्टर दोनों बहुत प्रोफेशनल है सेट पे और बहुत ही एक्सपीरियंस है मतलब दोनों के साथ मेरा अलग अलग ही मतलब एक्सपीरियंस रहा है खेसारी जी बहुत ज्यादा चुलबुले काइंड ऑफ है और पवन सिंह उतने ही सीरियस और उतने ही कॉन्फिडेंट है तो दोनों का जो मतलब जो स्क्रीन लुक है अमेजिंग है अपनी अपनी जगह तो दोनों के साथ बहुत मजा आया किसके साथ काम किया था पहले मैंने सबसे पहले भोजपुरी में खेसारी जी के साथ दो घुट का सॉन्ग किया था दो घुट का जो वर्जन था वो मैंने किया तो मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री से बहुत प्यार मिला बहुत लोगों ने मुझे प्यार दिया लोग वेट भी कर रहे थे मेरा खेसारी जी के साथ दूसरा गाना कब आने वाला है तो मैंने उसके बाद एक सॉन्ग और शूट किया तो सॉन्ग का नाम है पारो तो मोस्ट प्रॉब्ली वो कल सुबह रिलीज हो रहा है या एक दिन में रिलीज हो रहा है देन मुझे पवन सिंह के सॉन्ग का ऑफर आया तो वो सॉन्ग भी डिफरेंट लेवल का है तो दोनों का मतलब जो लेवल है जो पवन सिंह का जो सॉन्ग है जो आने वाला है वो सर ने डायरेक्ट किया है तो जैसे कि सर ने बताया वो अभी तक का भोजपुरी का काफी बड़ा गाना होने वाला है तो पवन सिंह से कुछ आपने खेसारी के बारे में बात की ससुर का किरदार कपिल शर्मा मैं हम सेट पर ही थे भाभी जी के तो मुकेश छाबड़ा जी कास्टिंग कर रहे थे उसकी तो वहाँ से कॉल आया इत्तेफाक से मैंने अटेंड किया अटेंड करने के बाद ठीक है बोले सलीम आप जो हैं कपिल शर्मा कपिल की ससुर का किरदार
ऑडिशन के लिए, तो मैंने कहा यार उनको बताया मैंने कहा आप ही टाइप करो क्या कहना है, तो इन्होंने बाकायदा टाइप करा कि हाँ नेक्स्ट डे मैं आता हूँ। तो ऑडिशन देने गया मैं, आपकी दुआओं से सेलेक्ट हुआ, गुर्दे छील दिया तुम्हारे भाई ने, टिल्लो भैया ने सुखी किरदार के लिए। वहां से फिर कॉल आया इत्तेफाक से, वो भी टाइम यही था कि यहाँ शाम में बैठे थे हम कि सलीम जी आप शॉर्टलिस्ट हो गए ससुर के लिए, प्रोडक्शन से मीटिंग कर ली क्या लेना है क्या देना है। इत्तेफाक से वो जो डेट बताई थी वो थी 10 मुहर्रम आशूर की, तो मैंने कहा उस दिन ये हमने अपनी जिंदगी में अपने आप से वादा कर रखा है कि 10 तारीख को ना काम करेंगे ना ऑडिशन करेंगे, क्योंकि गम का महीना होता है इमाम हुसैन की शहादत का दिन है। उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम आप 10 की मतलब 13 को मिल जाएगा 2 दिन के बाद। तो वो बात तो बात हो गई, इश्तियाक भाई और हम शॉर्टलिस्ट हुए थे, अब वो ससुर का किरदार कर रहे हैं। तो ये कुछ रहा, लेकिन मैं इससे मतलब गिला शिकवा कोई नहीं, क्योंकि मेरा सुकून ये है कि किसी की नजरों में तो है, बुलाया तो है, आज नहीं तो कल ससुर के उनके बाप भी बन जाएंगे। अब भाभी जी के अभी 2000 शायद एपिसोड होने वाले हैं, तो किस तरह से सेलिब्रेट हो, कितनी खुशी आपको मिठाई पे बुलाएंगे, खाने पे बुलाएंगे इंशाल्लाह। 2000 एपिसोड इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोगों को इनविटेशन आने वाला है, और बहुत खुशी की बात है कि 2015 से शो चल रहा है, और आप लोगों की ब्लेस है कि लगातार चल रहा है। और इस टाइम आपको बताना चाहता हूँ कि जो वर्ल्ड के टॉप 7 है उनमें से हमारे भाभी जी घर पर है का नाम है कॉमेडी शो, इसके लिए ताली बजाइए बढ़िया। जग्गू ने जो लालटेन पकड़ी है उसकी रोशनी से सूरज बन गया, सूरज इतना चमका कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सबके गुर्दे छील लेंगे। सलीम भाई भोजपुरी फिल्म कब कर रहे हो? जब ही मौका देंगे। मैं भोजपुरी नहीं, मैं रामपुरी हूँ। सलीम सर के साथ गाने पार्टनर ये थी, मुझे अब पहचान भी नहीं आ रही है। तो भोजपुरी अभी तक उधर सोचा नहीं है माशाल्लाह से, मैं अभी क्या बताऊँ, अभी एक कोई डायलॉग बोल सकते हो भोजपुरी में जो पहुंचा दूं वहां तक? भोजपुरी में मैं 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 क्या बोलूँ, हाय दैया लड्डू के भैया हमसे क्या बात कर रहा हूँ। तो भोजपुरी की तरफ इरादा नहीं है इंशाल्लाह। देखते हो भोजपुरी? रवि किशन साहब को देखा है, तो इतनी तारीफ कर रही है पवन सिंह की खेसारी, अभी अभी नहीं देखी मैंने इतना कुछ। पिक्चर तो हमने भी नहीं देखी। हाँ डायरेक्शन कर लिया, डायरेक्शन कर लिया। क्या तैयारी है फिल्म के रिलीज को लेकर? विजुअल प्रमोशन विल स्टार्ट वेरी सून, एक हफ्ते बाद हम शुरू कर देंगे। टीम के साथ हमारी ऑलमोस्ट डील हो गई है, तो मोस्ट प्रॉब्ली क्रॉस माय फिंगर्स की आफ्टर 1 वीक आप कंटेंट सोशल मीडिया पे देख पाए। ऑफ कोर्स आई नीड योर हेल्प एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और आखिर में आप सबके लिए कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे पापा कहा करते थे, बेटा जैसे एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वैसे एक कामयाब एक्टर के पीछे मीडिया का हाथ होता है। आप सब साथ में रहिएगा, कसम खा के कह रही हूं बॉलीवुड में झंडे गाड़ दूंगा। बोलने वाले औरत का हाथ होता है, कौन सी औरत? हर आदमी के पीछे हर एक औरत का ऐसे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात।